तुम्हारे रिजल्ट का सारा एनालिसिस कर रहा था आज, राइट? तो यार एक बच्चा है अभिषेक, है ना, एक बच्चा है अभिषेक, राइट? वो काफी अच्छा कर रहा है यार, काफी अच्छा कर रहा है, मार्क्स बच्चों ने धमाकेदार लाए हैं यार। लेकिन कुछ बच्चा जो मार्क्स नहीं ला पाया है, उनसे मैं बोलना चाहता हूँ, बेटा तुम लोग ना एनर्जी लगाओ, बैठे मत रहो, समझ में आया ना? जो टेस्ट में ना यार 100 मार्क्स क्रॉस करना है, जो अभी 40, 50, 60, 70, 70 के आसपास है, तो 100 कर, मैं तेरे को 150 करवाऊंगा, ठीक? और कुछ बच्चे हैं बेटा, बहुत बढ़िया बच्चे सब है यार अपने पास, तो बल्क में बच्चा सब है, मुझे कभी मैसेज ही नहीं कर रहे हो, तुम लोग क्या चल रहा है जीवन में बताते नहीं हो यार, हमने रिजल्ट एनालिसिस करवाया तुम्हारा, और पता है मैं बताऊं, तुम लोगों ने बहुत अच्छा कर रहा है यार टेस्ट में, तुम लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, रियली अप्रिशिएबल जॉब, यस रियली अप्रिशिएबल जॉब, बहुत ही तगड़ा काम कर रहे हो यार बच्चों, ढेर सारे मार्क्स लाए हो। एक मिनट रुको, मेरे पास रिजल्ट है, तो मैंने, अरे कहाँ चला गया मेरा रिजल्ट? हाँ, तो यार एक बच्ची के बारे में मैं बोलना चाहूंगा, एक बच्ची का नाम मैं अनाउंस करना चाहूंगा, मैं वंशिका, ये वंशिका ना मैक्सिमम टेस्ट दी है, और पता है इसका एवरेज मार्क्स मैं देख रहा हूँ वंशिका का, मतलब 260 के आसपास रहती है ये, और कभी कभी ज्यादा मिलाई है, अभिषेक ने तो फोड़ी दिया है यार पेपर, बहुत बढ़िया है। और मैं बताऊं, बहुत सारे बच्चे, आकाश, उज्जवल, नल, प्रियांशु, चंदन, चंदन, आदित्य भाई साहब, ऋतिक, सुमिता, भास्कर, अभिषेक स्क्वायर, और अभिषेक कुमार है ये, अभिषेक ये कौन है, सतापति, ओके चलो जो भी है। तो तुम लोगों को मैं ओवरऑल एक बात बोल रहा हूँ, इधर भी हिमांशु, जस्ट, ओम, अंशु, संजीत, बहुत ही बढ़िया यार, और बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे, मतलब टॉप 500 बच्चों को देख रहा था। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ बेटा, वेरी गुड बच्चा लोग, वंशिका का नाम मैं क्यों लेना चाहा, क्योंकि उसने ना मैक्सिमम टेस्ट दिए हैं, कुछ बच्चे का नाम नहीं था, अभिषेक ने भी 2-3 टेस्ट दिए हैं, 2-3 में उनका नाम नहीं दिखाया, आई डोंट नो क्यों, अब मुझे पता भी नहीं है कि आपने पूरा नाम क्यों नहीं आया, लेकिन और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो 250 से अवव है, मैं ऐसे ही नाम रैंडम ले लिया बेटा, ऐसा मत समझना कि सर ने वंशिका का, अभिषेक का नाम दे दिया, वो ना बहुत बार दिख गए मुझे ऊपर ऊपर टॉप 3 में, तो इसीलिए मैं बोल दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब सुनिए, आप लोगों को स्ट्रेटाइज करना है अपने टेस्ट को लेके, फुल एनर्जी के साथ टेस्ट देना है, राइट? टेस्ट सिलेबस मैंने बताया था कि 2 सेपरेट टेस्ट चलेगा, आप लोगों को दोनों पेपर देने हैं, यस यस, ये बात समझो यार, जान लगाओ, तुम कर सकते हो यार, तुम कुछ भी कर सकते हो, अपने आप को डफर क्यों समझ रहे हो तुम लोग, तुम कुछ भी कर सकते हो, यू डोंट नो व्हाट यू कैन डू, बस ये लाइन हमेशा दिमाग में रखना, तुम्हें नहीं पता है तुम क्या कर सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, मुझे विश्वास है तुम लोगों के ऊपर, और इतना बढ़िया स्कोर कर रहे हो यार, बहुत सारे बच्चे, आई नो कि बहुत सारे बच्चे का रिजल्ट 40-50 में भी था, बहुत सारे बच्चे हैं हमारे पास, लेकिन मैं चाहता हूं तुम ना उसको 100 में लाओ। देखो बच्चों, अगर तुम 4-4 क्वेश्चन सब में अच्छा कर लिए, सिर्फ 4 क्वेश्चन अच्छा करो, 4, तो कितने मार्क्स दिया उसने, मान लो 16 मार्क्स दे दिया, 16 16 16, है ना, 48 मार्क्स हो गए यार, एक सब्जेक्ट में 4 क्वेश्चन तुम अच्छा तो कर ही सकते हो ना, अभी से जितना अभी कर रहे हो उससे, जो 100 से बिलो हो उनको मैं एड्रेस कर रहा हूं अभी फिलहाल, क्योंकि यार हमें क्या, दुल्हा भी चाहिए और बारात भी चाहिए, दोनों चाहिए, तो टॉप रैंकर्स भी चाहिए हमें, और बल्क में रिजल्ट भी तो चाहिए यार, है ना, वो मेरा पर्सनल रिक्वायरमेंट है भाई, ये बता दे रहा हूं, मुझे चाहिए कि मैक्सिमम बच्चा जो यहां पे पढ़ रहा है उन सबका सिलेक्शन होना चाहिए बच्चों, तो 100 मार्क्स का जो एक कट है उसे क्रॉस करो, 130-150 लाओगे, 98-99 परसेंटाइल तक आ जाएगा, जो अभी कम कर रहे हो उनको मैं ये बात बोल रहा हूं कि अभी से अगर 3-4 महीना लग गए तुम पूरे तरीके से, तो यार मैक्सिमम सिलेबस बचा हुआ है तुम्हारा, मैक्सिमम सिलेबस बचा हुआ है, और आज से अपन मॉडर्न फिजिक्स भी करेंगे, लेकिन बेटा रोटेशन टाइम पे जाएगा 12 बजे, मॉडर्न फिजिक्स का लेक्चर थोड़ा सा लेट जाएगा, क्योंकि वो करना है, पढ़ रहा है प्लान 1-2 दिन बस, उसके बाद फिर सारा कुछ शेड्यूल में, रोटेशन मुझे अच्छे से पढ़ाना है, एडवांस लेवल तक पहुंचाना है तुम्हें, क्योंकि रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और बच्चे डरते रहते हैं यार, और हमेशा रोटेशन से क्वेश्चन पूछते हैं हमेशा, तो सारे लेवल का कवरेज भी मुझे देना है, तो मैंने इतनी देर से जो बोला उसमें बोलने का एक ही मकसद था, आप लोग दोनों पेपर अटेम्प्ट कीजिएगा, पढ़ाई और ज्यादा एनर्जी के साथ कीजिएगा, मैं जानता हूं कि आप लोग कर रहे हैं, मैं ये भी जानता हूं कि थोड़ा सा डर होता है मनुष्य को, We are human being after all, है ना, तो दर्द होता ही है यार अंदर में, टेंशन तो होता ही है, कौन चाहता है इतना मेहनत करने का, लेकिन तुम ये सोच लो, नहीं मुझे मेहनत करना है खुश होके, मुझे मेहनत करना है खुश होके, और मैं एकदम पक्का तुम
पे इतना विश्वास हो गया है मुझे रिजल्ट देख के और ज्यादा कि इस बार तो फिजिक्स वाला में रिजल्ट लाइन से अनाउंस होगा और बहुत ही बढ़िया तरीके से होगा। तो तुम लोग जितने बच्चे ने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए वो सब मुझे बोलना, यस आई हैव अटेम्प्टेड आदित्य सर, जरूर बोलना बेटा, ताकि मुझे पता चले कि ये बच्चा वो है जो रेगुलर टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहा है। और इसमें सर रैंडम रिजल्ट है बेटा, 500 बच्चों को मैं एनालिसिस नहीं कर पाया हूं इतना ज्यादा, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोला, लेकिन हाँ मैंने लास्ट सिक्स टेस्ट का रिजल्ट एनालिसिस कराया है। तो बच्चों तुम लोगों को जितना अभी हो उससे ऊपर जाना है, मेहनत और ज्यादा करना है जिससे मार्क्स और ज्यादा इंक्रीज करें, और एकदम फोड़ ही देना है ऐसे, राइट? अपन करेंगे और ज्यादा एनर्जी के साथ काम।